आपको अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो आपके भैया हैं चाहते भैया उनके द्वारा आपको पैसे डाले गए हैं रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप, तो आप कितने खुश हैं आपने उन पैसों का? क्या राखी ले ली, मिठाई लेंगे और है तो रक्षाबंधन के लिए भैया के लिए कपड़े लेंगे, बहुत खुश हैं। अब क्या खुश हैं आप अपने भैया के लिए क्या कहना चाहेंगी? और क्या कहना चाहेंगे, कुछ नहीं कहना, सब अच्छा है भैया हमारे, सब दिन अच्छी लंबी उम्र हो। तो क्या फिर से आप अपने भैया को ही चुनाव में, अभी चुनाव भी आ रहा है कुछ दिनों बाद, अब वोटिंग भी होगी, तो क्या फिर से आप अपने भैया को ही चुनाव में लाएंगी? देंगे वोट, कमल खेल सब दिन खेलो रहा है भैया, वो जो अभी 250 रुपए जो अकाउंट में आए हैं उन पैसों का आपने क्या उपयोग किया? जो 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लाडली बहनाओं को देते हैं, आपको मामा जी बोलते हैं कि ये मेरी लाडली बहनाएं हैं, तो उन पैसों का आप क्या करती हैं और आप किन खर्च पे उनको उपयोग करती हैं? खर्च मैं करा थे कि कम से कम मतलब एक दो अच्छी साड़ी पहले नंबर खरीदी, देखो जी जी। और क्या किया है आपने? राखी खरीद लाई, तो आपको जो आज है 1000 की, आपको जो ये पैसा दिया जाता है माननीय आपके भैया द्वारा, तो आप उससे खुश हैं या असंतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं, ऐसे तो हंसी याद है। ठीक है, तो देखा है आपने कि अभी बाकायदे कितनी मुस्कान और कितनी चेहरे पर एक खुशियां झलक रही हैं बहनाओं के, कि उनके खातों में अभी 250 रुपए और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डाले गए हैं और 1000 रुपए पहले से इन लाडली बहनाओं को दिए जा रहे हैं। मैं मेरे साथ और भी लाडली बहनाएं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर वो जो ये पैसा आ रहा उनके खाते में वह उसको लेकर के कितनी खुश हैं और किस चीज में उस पैसे का उपयोग करती हैं। आपको भी पैसे मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके भैया डालते हैं, तो आप क्या करती हैं उन पैसों का? हम लोग राखियां खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं और कपड़े भी लेते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं रहती सभी चीज हम थोड़े थोड़े करके ले लेते हैं। जो अभी रक्षाबंधन पर उपहार दिया है राखी के तौर पर आपके भैया ने मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपए जो एक्स्ट्रा डाले हैं आपके खाते में, और उनका ये भी कहना कि मैं अपनी लाडली बहनाओं को धीरे धीरे करके और उनके 3000 तक पैसे कर दूंगा, तो इससे आप क्या करेंगी उन पैसों का? और अभी जो रक्षाबंधन पर्व उसमें उपहार दिया, आप क्या कहना चाहेंगे अपने भैया को? अपने बच्चों को पढ़ाई में, हम लोग पढ़ाई में लगाएंगे बच्चों के, और हम लोग बहुत गृहस्थी। अभी जो 250 रुपए डाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका आपने क्या किया? हम लोग राखियां खरीदी, मिठाई और खरीद लेंगे और कपड़े अपने बच्चों के लिए ले लेंगे। तो आप इनसे खुश हैं? जी हाँ। ठीक है, आपको भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पैसे दिए जाते हैं, आप उससे कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं। अभी रक्षाबंधन पर एक उपहार दिया गया उनके द्वारा 250 रुपए, तो आपने उन पैसे का क्या किया? राखी खरीद लिया, भैया भाभी को सामान ले लिया। तो आप खुश हैं इन सब चीजों से? हाँ खुश हैं। अभी मैं आपके भैया द्वारा ये भी कहा गया है कि मेरी बहनाओं आप चिंता मत करो, अभी कल ही न्यूज में आ रहा था और कल ही उन्होंने एक घोषणा की है, जो गैस सिलेंडर अभी आप लोग जिससे रसोई बनाती हैं, खाना बनाती हैं, उस गैस सिलेंडर को भी आपके लोगों के लिए उन्होंने 1100 से कम करके 450 रुपए का कर दिया है, उसमें आप कितनी खुश हैं? आपको भी पैसा देते हैं भैया, तो आप कितनी खुश हैं उसको लेकर के? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या भैया अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे भैया। तो इस बार जो उन्होंने पैसा दिया है वह पैसा आपने कहाँ कहाँ खर्च करती हैं? 2 साड़ियाँ ले आए, 2 ब्लाउज ले आए, 2 पेटीकोट ले आए। तो आपने देखा कि बहनें वास्तव में यह जो बहने हैं वह भैया को उपहार को लेकर के काफी उत्साहित हैं, और आप इस वक्त ये लाइव प्रसारण बीके न्यूज पर देख रहे हैं। मैं रजनीश नामदो ग्राउंड जीरो से मैंने आपको यह कवरेज दी है, और मैं और भी इसी प्रकार से कई आपके सामने सामाजिक मुद्दों को लेकर के ऐसी ही खबरें प्रतिदिन उजागर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की जय बुंदेलखंड। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दिल बोलेगा, देश सुनेगा।